जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। भारत डिफेंस वन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम बात करने जाएंगे पिछले कुछ समय से जो भारत और कतर के बीच में हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। अगर ये मानिए कि अगर भारत और कतर के बीच में युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं तो किसकी सेना किस पे कितनी भारी पड़े, तो आज की वीडियो हम कंपेयर करेंगे भारत और कतर की फुल मिलिट्री कंपेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत की जो जनसंख्या है क्या है। इस समय भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ से अधिक निकल के आती है। वहीं जो कतर की जनसंख्या लगभग 28.5 लाख की निकल के आती है। देश की सेना जब ही मजबूत होती जब उस देश का डिफेंस बजट मजबूत हो। इस समय भारत का जो डिफेंस बजट है लगभग 74 बिलियन डॉलर का है। वहीं कतर के पास लगभग सिर्फ 6 से 7 बिलियन डॉलर अपनी सेना पे खर्च कर पाता है। अब बात करते हैं लैंड पावर की। इस समय जो भारत के पास जो आर्मी लगभग भारत के पास 14.5 लाख से अधिक सेना है। वहीं कतर के पास भी लगभग ऐसे 75,000 सेना उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के टैंकों के बारे में। इस समय भारत के पास लगभग ऐसे 4600 टैंक्स हैं। वहीं कतर के पास भी लगभग 140 से अधिक टैंक उनके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स के बारे में। इस समय भारतीय बेड़े में लगभग 140 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स उनके बेड़े में शामिल है। अगर हम बात करते हैं कतर के पास लगभग ऐसी 45 से अधिक तोपे उनके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं फील्ड आर्टिलरी गन्स के बारे में। इस समय भारत के पास लगभग ऐसी 3500 से अधिक फील्ड आर्टिलरी गन्स हैं। वहीं कतर के पास सिर्फ ऐसे 10 फील्ड आर्टिलरी गन्स उनके बेड़े में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल रॉकेट सिस्टम के बारे में। इस समय भारत के पास लगभग ऐसे 1100 से अधिक मल्टीपल रॉकेट सिस्टम उनके बेड़े में शामिल हैं। अगर कतर की बात करें कतर के पास लगभग ऐसे सिर्फ 15 रॉकेट सिस्टम उनके बेड़े में शामिल हैं। ये बात होगी लैंड पावर की। अब हम बात करते हैं एयर पावर की। इस समय भारतीय वायु सेना के पास लगभग 777 ऐसे फाइटर जेट उनके बेड़े में शामिल हैं। वहीं कतर के पास लगभग ऐसे 65 से अधिक फाइटर जेट उनके बेड़े में शामिल हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड अटैक यानी हवा से जमीन पर मार करने वाले फाइटर जेट के बारे में। इस समय इनकी संख्या भारत के पास लगभग 130 से अधिक निकल के आती है। वहीं कतर के पास ऐसे ऐसे 5 ही जहाज हैं। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में यानी कि मालवाहक जहाज के बारे में। इस समय भारतीय वायु सेना के पास लगभग 353 ऐसे बड़े मालवाहक जहाज इनके बेड़े में शामिल हैं। वहीं कतर के पास सिर्फ 5 ऐसे जहाज इनके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। इस समय भारतीय वायुसेना के पास लगभग 100 से अधिक ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर इनके बेड़े में शामिल हैं। वहीं कतर के पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे 24 अटैक हेलीकॉप्टर इनके बेड़े में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं नेवल पावर के बारे में यानी नेवी के बारे में। इस समय भारतीय नौसेना के पास लगभग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं कतर के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर इनके बेड़े में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। इस समय भारतीय नौसेना के पास लगभग 11 ऐसे जंगी डिस्ट्रॉयर्स इनके बेड़े में शामिल है। वहीं कतर के पास ऐसा एक भी डिस्ट्रॉयर इनके बेड़े में शामिल नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्रिगेट्स के बारे में। इस समय भारतीय नौसेना के पास ऐसे लगभग 12 की संख्या फ्रिगेट्स इनकी नौसेना में शामिल है। वहीं कतर के पास भी ऐसा एक भी फ्रिगेट्स इनकी नौसेना में शामिल नहीं है। अब हम बात करते हैं कन्वेंशन शिप के बारे में। इस समय भारतीय नौसेना के पास लगभग ऐसे 18 कन्वेंशन शिप हैं। वहीं कतर की नौसेना के पास भी ऐसे लगभग 4 कन्वेंशन शिप इनके बेड़े में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं सबमरीन्स के बारे में। इस समय भारतीय नौसेना के पास लगभग 19 सबमरीन्स हैं। वहीं कतर के पास ऐसी एक भी सबमरीन नहीं है। अब इसमें एक और चीज निकल के आती है न्यूक्लियर यानी परमाणु बम। इस समय भारत के पास लगभग 170 से अधिक परमाणु बम हैं। वहीं कतर के पास एक भी ऐसा परमाणु बम इनके पास नहीं है।
तो ये हो गए भारत और कतर के बीच की मिलिट्री पावर। अब आपको मालूम हो गया होगा कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक कि जय हिंद जय भारत।